बच्ची का इलाज कराने आई एक महिला से मेरठ के एक अस्पताल में नर्सरी इंचार्ज और उसके दो साथियों ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पर शिकायत की। एसपी क्राइम ने सीओ और थाना पुलिस को मौके पर बुलाकर जांच का आदेश दिया। मोदी नगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उसकी 4 साल की बेटी को हार्निया है। गत 31 जनवरी को वह एक गढ़ रोड स्थित न्यूटीमा हॉस्पिटल आई थी। उसकी मुलाकात नर्सरी इंचार्ज से हुई। आरोप है कि नर्सरी इंचार्ज ने अपनी गाड़ी में बैठाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और जब उसे होश आया तो वह एक घर में थी। मौके पर आरोपित दो और साथी भी साथ थे। आरोप है कि तीनों ने उसके साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने चौकी इंचार्ज से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि उसे धमकी दी जा रही थी कि अगर किसी तरह की कोई शिकायत की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी तरह शुक्रवार को वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। इस दौरान एसपी क्राइम ने सीओ और थाना पुलिस को मौके पर बुलाया और जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। मेरठ से खबर तहकीकात के लिए शहजाद सैफी की रिपोर्ट। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी वे बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।